इंडिया में शराब बेचना वैसे तो इनलीगल होता है, कोई भी व्यक्ति वाइन या फिर हार्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं बेच सकता, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास उसका एक कानूनी लाइसेंस है तो आप उसे सरकार की परमिशन से बेच सकते हैं और आप उसे किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन में सर्व भी कर सकते हैं। शराब बेचने के लिए हर इंसान को राज्यसभा से यानी सरकार से अनुमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरा नाम अजय कुमार है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी शराब की दुकान या कोई भी बियर की दुकान खोलनी है तो आपको कौन कौन से लाइसेंस के लिए इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक बियर वाइन शॉप खोलने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कितने पैसे की जरूरत होती है एक वाइन शॉप को खोलने के लिए, तो इस बारे में भी मैं आपको जो है बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बियर या वाइन की शॉप से आप कितना पैसा कमा सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन में अगर आप शराब या बियर सर्व करना चाहते हो, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को पता भी होगा, बहुत से लोगों को पता होता है कि जैसे अलग अलग शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन में जो शराब बियर सर्व करने का जो है एक ठेका लिया जाता है, ठेके पे होता है सारा काम, तो उसके लिए भी जो है हमें लाइसेंस लेना होता है, तो इस बारे में भी मैं जो है आपको बताऊंगा। और इसके लिए कौन सा लाइसेंस लगता है और उस लाइसेंस की जो फीस होती है वो कितनी जाती है, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शराब और बियर की शॉप खोलने के लिए जो लाइसेंस लगता है उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है और कहाँ से अप्लाई करना होता है। इंडिया के अंदर वाइन या बियर शॉप खोलने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट से आपको जो है लाइसेंस इशू करवाना होगा। इंडिया के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम और शर्तें रखी हुई हैं जिसका पालन हर एक इंसान को करना पड़ता है। हर पर्टिकुलर स्टेट में सरकार का एक एक्साइज डिपार्टमेंट होता है जो शराब की दुकानों के लिए अलग अलग प्रकार के लाइसेंस देता है। लेकिन दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहां पर शराब पूरी तरह से बैंड है, मतलब पूरी तरह से बंद है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया, लक्षद्वीप हो गया, नागालैंड हो गया, तो इन सभी स्टेट्स में जो है शराब पूरी तरह से बंद है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं पैसे की। अगर आपको कोई भी शराब की दुकान खोलनी है या उसका लाइसेंस लेना है तो आपके पास इसके लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों लाइसेंस अप्लाई करते समय आपको जो है एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी, और ये जो फीस होती है ये मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम 15,000 तक ये फीस जमा होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको शराब या तो सर्व करने के लिए या फिर बेचने के लिए एक जगह चाहिए होती है। दोस्तों शराब के एक अच्छे खासे स्टॉक के साथ साथ आपको कुछ कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ती है। आपको शराब की दुकान शुरू करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए की आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये चीज भी डिपेंड करती है कि आप किस प्लेस पर ये दुकान खोलना चाहते हैं, जो शराब की दुकान आप खोलना चाहते हैं किस प्लेस पर, किस जगह पर आप दुकान खोलना चाहते हैं, ये इस चीज पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बियर शॉप या वाइन शॉप से कितना पैसा कमा सकते हो। दोस्तों शराब की जो कमाई होती है, मतलब उसे हम अल्कोहल बोलते हैं, तो अल्कोहल की जो कमाई है वो इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सा लाइसेंस है, मतलब शराब बेचने के लिए आपके पास कौन सा लाइसेंस है, इसके ऊपर भी जो है डिपेंड करती है। दोस्तों अगर मैं आपको एवरेज निकाल के बताऊं या फिर हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं तो कम से कम एक दिन में आप जो है 20 से लेकर 25,000 रुपए की कमाई कर सकते हो, तो उस हिसाब से एक साल का आप जो है 80 से 90 लाख रुपए की कमाई आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको अलग अलग लाइसेंस के बारे में बताता हूँ जो आपको अलग अलग शॉप खोलने के लिए चाहिए होंगे, अलग अलग अल्कोहल को सर्व करने के लिए चाहिए होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अलग अलग लाइसेंस की। जैसे आपको अगर कोई बियर की शॉप खोलनी है या वाइन की शॉप खोलनी है या फिर किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन में बियर या वाइन को सर्व करना है तो इनके लिए जो है अलग अलग लाइसेंस होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लाइसेंस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको L1 लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये एक कंपनी, एक सोसाइटी या फिर एक पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही होती है उनको दिया जाता है, मतलब L1 जो लाइसेंस होता है इन सभी को दिया जाता है। दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए या तो आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन भरना होगा,
या फिर इसकी जो एप्लीकेशन है वो सरकार द्वारा न्यूज़पेपर के अंदर भी निकाली जाती है। अब दूसरे मैं लाइसेंस की बात करता हूँ जिसका नाम है L3 लाइसेंस। दूसरा जो लाइसेंस आता है वो होता है L3 लाइसेंस। दोस्तों ये लाइसेंस सरकार द्वारा बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दिया जाता है और इस लाइसेंस को देने के लिए सरकार द्वारा टेंडर निकाले जाते हैं। दोस्तों अब मैं तीसरे लाइसेंस की बात कर लेता हूँ जिसका नाम है L6 लाइसेंस। L6 लाइसेंस मैं फिर बता देता हूँ, तीसरा जो लाइसेंस आता है वो आता है L6 लाइसेंस। ये जो लाइसेंस होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के चुनिंदा कारोबारियों को ही दिया जाता है। अब मैं बात करूंगा P10 लाइसेंस के बारे में। P10 लाइसेंस मैं फिर आपको बता देता हूँ, P10 लाइसेंस के बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप अपनी स्टेट में, आपकी जो भी स्टेट है उसके अंदर आप जो भी कोई भी फंक्शन करते हैं, जैसे कि आप अगर शादी का फंक्शन करते हैं या गेट टुगेदर के टाइम पर, आपको P10 लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा L10 लाइसेंस के बारे में। L10 लाइसेंस मैं आपको फिर बता देता हूँ, L10 लाइसेंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये लाइसेंस रिटेल शॉप्स को भी इंडियन या विदेशी शराब बेचने के लिए दिया गया है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ P13 लाइसेंस के बारे में। P13 लाइसेंस मैं फिर बता देता हूँ, P13 लाइसेंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये लाइसेंस किसी भी होटल को, रेस्टोरेंट को या फिर किसी भी क्लब को उनके लाइसेंस के परमिशन के बाहर जाके वाइन या बियर जैसी हार्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए एक दिन के लिए दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।